आसिफ कहते हैं ऑपरेशन अजम इस्तकाम के लिए चीन की तरफ से कोई दबाव है ना ये फौज की जरूरत है, अजम इस्तकाम हमारी जरूरत है। वज़ीर दिफा ने कहा कि मुल्क में अमन अमान के क़याम, दहशतगर्दी की नई लहर के खात्मे के लिए शुरू होने वाले फौजी ऑपरेशन पर सियासी जमातों और कबायली उमायदीन से मुशावरत जारी रहेगी। तालिबान से बातचीत के बाद उनके 4 से 5 हजार लोगों को वापस लाने का तजुर्बा नाकाम हुआ।